गर्मियों में अगर सबसे बेहतरीन सौगात कोई है तो वो है जी कैलाश की ये पंजाबी लस्सी। और इस भीड़ को देख के आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितनी फेमस इनकी लस्सी होगी। रिच, क्रीमी, बटरी और टेस्टी, प्योर दही की है ये लस्सी। और एक बार जो इसको पी लेता है ना भाई, जिंदगी भर इसका स्वाद नहीं भूलता। मैंगो लस्सी से लेकर सम्राट लस्सी, महाराजा लस्सी से लेकर केसर की लस्सी, इतनी ज्यादा रिफ्रेशिंग है ना कि इसका एक गिलास एक बार लाइफ में ट्राई करना जरूर बनता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्वाद आ जाएगा आपको। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। तो जी इंडिया में आपने अलग अलग राज्यों में जाके अलग अलग जगहों पे जाके लस्सी पी होगी, लेकिन आज मैं आपको लेके आया हूँ कैलाश के पास, जिनकी लस्सी पूरे मुंबई में सबसे ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे जो लस्सी बनाई जाती है ना भाई, ऐसी लस्सी आपको मुंबई में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशल तरीके से यहाँ पे लस्सी बनाई जाती है। लस्सी में सबसे पहले पानी का इस्तेमाल नहीं होता, आइस का इस्तेमाल सिर्फ ऊपर से होता है, और बहुत ज़्यादा गाढ़ी लस्सी होती है। अब ये जो लस्सी है, लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आता कि हम इसे पिए या खाए, क्योंकि होती इतनी गाढ़ी है। अब ऊपर से मलाई डाली जाती है, वो भी ढेर सारी मात्रा में। और अगर आप हाफ ग्लास पंजाबी लस्सी का लेते हैं तो मात्र 30 रुपये का है, और अगर फुल लेते हैं तो वो है आपका 50 रुपये का। अब मैं आपको पूरी लस्सी की मेकिंग दिखाता हूँ, और कौन कौन सी लस्सी मिलती है ना वो आपको दिखाता हूँ। आइए और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत रिफ्रेशिंग फील करने वाले हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे तैयार होने जा रही है सबसे आइकॉनिक लस्सी ऑफ मुंबई, और ये है जी कैलाश मंदिर की सबसे फेमस लस्सी। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, लगातार इसी तरीके से ये परात का इस्तेमाल करके यहाँ पे लस्सी को तैयार करते रहते हैं। ऊपर से पहले मलाई निकालते हैं, उसको साइड पे रख लेते हैं, और हर गिलास के ऊपर यहाँ पे जो मलाई है ऊपर से सर्व की जाती है। और ये जो आप एक परात देख रहे हैं, लगभग 10 किलो दही इसके अंदर आती है, और हर 15 मिनट के बाद यहाँ पे एक नई परात बनाई जाती है। तो सुबह 9 बजे से लेके शाम तक जब तक ये दुकान खुलती है उसमें ये लस्सी तैयार होती रहती है। इसमें अब ये पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ दही है जो आप यहाँ देख रहे हैं। अब ये दही को एक बर्तन में डाल रहे हैं, और उस बर्तन में डालने के बाद ये लस्सी को तैयार करेंगे। आप ये परात देख सकते हैं कि मतलब हार्डली 1 मिनट के अंदर इन्होंने पूरी परात को खाली कर दिया। और अब देखिए जी, इसमें मिठास के लिए डाली जा रही है ढेर सारी शक्कर। अब कितनी सारी शक्कर इसके अंदर जाती है ना, आप यहाँ देख सकते हैं भाई, 20 किलो दही में 5 किलो शक्कर जाएगी। अब ये देखिए, इसको अंदर ही इसके मिक्स किया जाएगा। तो देखिए, पहले एक 10 किलो की परात इन्होंने डाली, अब ये दूसरी परात आई है, ये भी 10 किलो की है। अब इसमें से भी ऊपर से जो मलाई है ये निकाल के यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, और हर वो गिलास में, चाहे वो हाफ गिलास हो पंजाबी लस्सी का, चाहे फुल हो, उसके अंदर ये ऊपर से मलाई डाल के सर्व की जाती है। और ये देखिए जी, अब एक स्पेशल तरीके का मिक्सर इन्होंने ऊपर से निकाला है, और वहाँ से ही इसको जो लस्सी है उसको फेंटा जा रहा है। अब ये देखिए, इस जो हम मधानी जिसको बोलते हैं पंजाबी में, उस मधानी से, तो ये देखिए मोटर वाली मधानी को इस लस्सी, इस दही के अंदर डाला जा रहा है, और इसी के अंदर जो लस्सी है वो तैयार की जा रही है। जो मोटर से ये मधानी है वो चलती है, और एक स्पेशल तरीके की पाइप ये ऊपर से लेके आते हैं, और पाइप से ही जो मधानी है वो चलती है, उसके अंदर अटैच्ड है, और उसके बाद ये लस्सी, आइकॉनिक लस्सी को तैयार किया जाता है। तो ये देखिए जी, अब यहाँ पे तैयार होने जा रहा है लस्सी का वो स्पेशल गिलास, जो कि मुंबई का सबसे ज़्यादा फेवरेट है। अब ये देखिए जी, इसमें हाफ जो गिलास है पंजाबी लस्सी का वो 30 रुपये का है, और जो फुल है वो 55 रुपये का है। अब ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा लोडेड होती है, इतनी ज़्यादा हैवी होती है कि लोग पूरा गिलास नहीं पी पाते, तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि आप हाफ गिलास यहाँ लस्सी का पी सकते हैं। 30 रुपीज़ के अंदर हाफ है, और 55 रुपये के अंदर फुल है। अब ये सिर्फ दही और चीनी का मिश्रण है, और बहुत प्योर ये लस्सी है। अब इसमें थोड़ी सी ऊपर से क्रश्ड आइस डाली जाती है, उसके बाद मलाई डाल के सर्व की जाती है। तो हाफ ग्लास का ही ऑप्शन ज़्यादा है लोग यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत हैवी होती है। अब ऊपर से ये मलाई डालते रहेंगे, यहाँ पे एक भैया खड़े हैं वो मलाई डालते रहेंगे, और उसमें स्टील का चम्मच लगा के आगे ये सर्व करते रहेंगे। देखिए कितनी बड़ी सुपर ह्यूमन स्पीड से यहाँ पे ये लस्सी बिकती है, और कितनी तेज़ी से यहाँ पे ये जो कारीगर हैं वो काम करते हैं। बहुत बहुत उम्दा लस्सी की ये दुकान है, और अगर आप कभी भी मुंबई आए ना भाई, कैलाश लस्सी ज़रूर पीजिएगा। ऐसी लस्सी मुंबई में आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। तो जी, जितनी फेमस, जितना मतलब पसंद लोग यहाँ पे लस्सी पीना करते हैं, उतना ही पसंद लोग पैक करा के भी लेके जाना करते हैं, क्योंकि खुद पी के फिर घर वालों के लिए लेके जाते हैं। और ये कौन सी है? ये महाराजा है, ये मैंगो ड्राई फ्रूट लस्सी है। हाँ, पार्सल कंटेनर। वाह,
वाइन का जो पार्सल कंटेनर है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और उसके बाद इस पर देखिए मलाई डाली जाती है, ढेर सारी मात्रा में मलाई जाती है इसमें। ये देखिए अब इसमें गई ढेर सारी मात्रा में मलाई। अरे बाप रे, मलाई का तो कोई अंत ही नहीं है मतलब। और ऊपर से आई ये पुड़िया, इनकी स्पेशल ड्राई फ्रूट पुड़िया जो हर किसी के लिए बिल्कुल सेम है। तो हर किसी को उतनी ही मात्रा में ड्राई फ्रूट मिलेगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हर किसी को सेम मात्रा में ड्राई फ्रूट मिलता है। और पैकिंग कंटेनर बहुत स्पेशल है इनके, और पैकिंग वाले ग्लासेस भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो ये देखिए ग्लासेस के ऊपर ये सील पैक कर देते हैं और ये लीक प्रूफ होते हैं, तो लीक नहीं होते हैं। आप जहाँ भी जाएँ मुंबई में आप इस लस्सी को लेके जा सकते हैं अपने लिए और अपने घर वालों के लिए भी। तो जी यहाँ पे देखिए जो इनका हाथ है वो बहुत ज़्यादा सुपर स्पीड से चलता है और लगातार जो लस्सी की ग्लासेस है ना वो यहाँ से काउंटर से लोगों तक पहुँचते रहते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में सबसे अगर रिफ्रेशिंग चीज़ कोई है वो है ये लस्सी का ग्लास। अब आप अगर एकदम तगड़े पक्के वाले पंजाबी है ना तो आप पूरा गिलास लीजिएगा, सच बता रहा हूँ आपको शाम तक भूख नहीं लगने वाली। लेकिन अगर आपकी डाइट मेरी तरह है तो आप हाफ गिलास भी ले सकते हैं 30 रुपीज़ के अंदर, हाफ गिलास विद अ लॉट ऑफ मलाई एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ रिफ्रेशमेंट। तो जी बहुत मुश्किल है, इन्होंने हमें टाइम दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं ये, बात नहीं कर सकते भाई। इन्होंने बोला कि आप बस मैं काम करता रहूँगा, आप मुझसे जो पूछना पूछे। तो शमरोज भाई हैं हमारे साथ जो कि कैलाश मंदिर लस्सी के ओनर हैं। इनके पिताजी ने आज से कई साल पहले दुकान शुरू की और ये एक लेजेंडरी दुकान बन चुके हैं भाई मुंबई में। तो शमरोज भाई कितने साल हुए दुकान को? ऑलमोस्ट 50 ईयर्स को ऊपर हो गया। 50 ईयर्स हुआ तो फादर ने शुरू किया आपका और यहीं से स्टार्ट किया। और आपकी लस्सी इतनी स्पेशल क्यों है यार? हम लोग का प्योरिटी तो भैंस का दूध की वजह से, उसकी वजह से हम लोग एकदम क्वालिटी अच्छा है, क्वालिटी बढ़िया है, मिक्सिंग नहीं है, एकदम प्योर है। हाँ उसके ऊपर तो आप पानी वानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं दही के अंदर? हाँ, जो मैंने देखा एक पुड़िया है आपके पास यहाँ पे, वो उसके पुड़िया के अंदर क्या है? वो ड्राई फ्रूट है। और तो वो सबके लिए सेम रहता है? नहीं नहीं, जैसे बादा पिस्ता के लिए अलग ड्राई फ्रूट है, सम्राट व महाराजा के लिए अलग ड्राई फ्रूट। अच्छा, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से आप देते हैं, बट वो सबको पुड़िया में ही जाता है? सब सेम भाई, किसी को ज्यादा ना किसी को कम। अच्छा, सबको बराबर जाएगा एकदम। तो भैया आपको क्या बताइए, हमें कौन सा लस्सी पीना चाहिए? नॉर्मल तो हम हर जगह पी लेते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी स्पेशल लस्सी है जो हमें ट्राई करनी चाहिए? आप सम्राट लस्सी ट्राई कीजिए। सम्राट लस्सी, तो भाई भाई की रिकमेंडेशन में हम सम्राट लस्सी पियेंगे भी और आपको पिलाएंगे भी। अब ये देखिए जी यहाँ पे तैयार हो रही है एक मैंगो ड्राई फ्रूट और एक हो रही है यहाँ पे सम्राट। तो ये राइट साइड वाली ये जो आप देख रहे हैं सम्राट है, इसमें केसर डाला इन्होंने, ऊपर से डाला ये रू अफजा, ये आया इसमें इलायची पाउडर, और अब ये डाला जाएगा एक स्पेशल तरीके का ड्राई फ्रूट मसाला जो ये पहले से तैयार करके रखते हैं। और उसके बाद आएगी जी इनकी ये थिक लस्सी, क्या बात है जी। और ये आया अब यहाँ पे तैयार हो रही है मैंगो मसाला, तो मैंगो पल्प को डाला जा रहा है गिलास में बहुत सारी मात्रा में। उसके बाद इसके अंदर अब ये लस्सी को डाला जाएगा, देखिए कितनी थिक कितनी गाढ़ी ये लस्सी है और बहुत ही बेहतरीन इसका कलर आना स्टार्ट हो चुका है। अब चम्मच की सहायता से ये दोनों लस्सी को जो मिक्स किया जाएगा और आप देखिए कितनी कलरफुल ये लस्सी हो जाएगी। राइट साइड वाली है सम्राट, लेफ्ट साइड वाली है मैंगो। ओए होए भाई साहब, सुपर थिक लस्सी है। अब ये समझ नहीं आता कि इसको आप खाएं या आप इसको पिए। और ये अब आई है मैंगो वाली लस्सी, ओए होए ब्यूटीफुल। और ये ऊपर से आई जी मलाई, ढेर सारी मात्रा में यहाँ मलाई आई, देखिए कितनी थिक ये मलाई है, जितनी थिक दही उतनी थिक लस्सी और उससे ही ज़्यादा थिक ये ऊपर से ये रबड़ी और ऊपर से ये मलाई। और अब ये आया जी ड्राई फ्रूट की स्पेशल पुड़िया जो जाएगी सबसे पहले ये मैंगो वाली पे। ये देखिए काजू है इसमें, पिस्ता है और ये बादाम है। और सेम तरीके से ये वाली पुड़िया एक और जाएगी इस स्पेशल सम्राट लस्सी पे, और सेम क्वांटिटी के अंदर होती है ये, इसमें क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। लाल वाली चेरी, और ये हो गई जी राइट पे सम्राट और लेफ्ट पे मैंगो ड्राई फ्रूट लस्सी, और दोनों का प्राइस है 95 रुपीज़ राइट। तो ये देखिए जी यहाँ पे इन्होंने 3 स्पेशल तरीके के स्टैंड को लगाया हुआ है, जैसे जैसे लोग लस्सी पीते जाए वैसे वैसे अपने खाली गिलास यहाँ पे रखते जाए, और खाली गिलास जैसे जैसे यहाँ भरते रहते हैं वैसे वैसे जाते रहते हैं अंदर किचन में साफ होने के लिए। उसके बाद नया लॉट फिर से आता है, फिर से लस्सी लगती है और फिर से ये जो रैक है वो भर जाता है। तो जी मेरे हाथ में है कैलाश मंदिर की सबसे स्पेशल HP सम्राट लस्सी, और बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ये। अब ये अंदाज़ा लगाना और ये समझना बहुत मुश्किल है कि इस लस्सी को आप पिए या आप खाएं। मुझे लगता है लस्सी को पहले खाना ही चाहिए, क्योंकि इसके साथ एक चम्मच को सर्व किया जाता है और ये इतनी ज़्यादा गाढ़ी है कि ये बिल्कुल भी चम्मच से कहीं जाने वाली नहीं है। तो कीप टेकिंग अ बाइट ऑफ दिस लस्सी और इन्जॉय करते रहिए हर स्पून में। तो जी वाकई यार अब मुझे पता चला कि क्यों इतनी लोगों की यहाँ पे भीड़ लगती है, क्यों इतना रश लगता है यहाँ पे इनकी ये लस्सी पीने को या फिर खाने को, क्योंकि बहुत लाजवाब लस्सी है।
बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस है इसमें शुगर का, परफेक्ट बैलेंस है इसमें जो इन्होंने सिरप ऐड किए हैं उसका, परफेक्ट बैलेंस है इसमें इलायची पाउडर का, और साथ में बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस है इसमें इनके मसालों का। तो अगर आपको लस्सी इंजॉय करनी है तो आपको कैलाश मंदिर आ रहा होगा ये लस्सी पीने के लिए। इनकी एसपी सम्राट लस्सी तो बहुत बढ़िया है ही है, साथ में इनकी पंजाबी लस्सी भी ट्राई करती है जो सबसे ज़्यादा बिकती है। आइए वो ट्राई करके आपको बताता हूँ कैसा उसका स्वाद है। तो ये है एसपी सम्राट लस्सी और ये है इनकी स्पेशल पंजाबी लस्सी, ऑफ कोर्स सर्व्ड विद अ लॉट ऑफ मलाई। तो इसको हमने खाया है, इसको भी आप खा सकते हैं, लेकिन अगर वो ट्रेडमार्क ना आए ना लस्सी का पीने के बाद तो मज़ा नहीं आता। इसको पीते हैं, तो ये जो आइकॉनिक ट्रेडमार्क आया लस्सी पीने का वो बहुत ही ज़्यादा गजब है। अब चॉइस आपकी है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ आप पी लीजिए या आप खा लीजिए, या खा लीजिए या पी लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये लस्सी ज़रूर ट्राई करने आइएगा। ये दादर ईस्ट में इनकी दुकान है, कैलाश मंदिर के नाम से बहुत फेमस है। मेरे लेफ्ट साइड में ये दादर ईस्ट का रेलवे स्टेशन है, स्टेशन से उतरते ही राइट साइड पर आपको इनकी ये फेमस दुकान दिखाई देगी। आइए खाइए या फिर पीजिए, चॉइस आपकी है, लेकिन एक बार आना बनता है, ज़रूर आइएगा और इनकी लस्सी इंजॉय करके बिल्कुल रिफ़्रेश फील कीजिएगा। मेरे खाने की तलाश या मेरे पीने की तलाश आपके लिए यूं ही जारी रहेगी, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पर, एक नए खाने की तलाश में।